वेव का कंडीशन आता रहेगा, मगर सीवियरिटी चला गया जिसके लिए हम सिर्फ येलो अलर्ट में जाएंगे। साथ ही साथ दिल्ली में भी 23 और 24 तारीख को हीट वेव का स्थिति रहने की संभावना है। जैसे आपका हर जगह का मौत का कारण अलग था, जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लू विंड्स बह रही थी जो कि बहुत भयानक और बहुत हाई टेम्परेचर के साथ 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड से भी लोगों को खतरा पहुंच रही थी। ईस्ट इंडिया में उसी में आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा था, वो भी आपका सेंसिबल हीट के कारण से आपका हीट वेव आपका जो फील्ड टेम्परेचर है सेंसिबल हीटिंग ज्यादा था जिसके कारण से मौत के आंकड़े चल रहे थे। अभी का जो स्थिति है, अभी हीट वेव का स्थिति काफी कम हो गया है। गर्मी में चल रही भीषण गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिली है, लेकिन ये महज चंद समय की राहत है या फिर लंबे समय तक और ये हीट वेव कंटिन्यू रहेगी, इसी बारे में और बातचीत करने के लिए सीनियर साइंटिस्ट सोमा सेन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, थोड़ा मौसम में बदलाव है, कितने देर की राहत एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये किस वजह से बदलाव आया है? मैडम देखिए, अभी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर्स डिप किए हैं, थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी जारी थी कल, आज भी होने का चांस है। ये है प्राइमरली पश्चिम विक्षोभ के कारण जो अभी भी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है, तो उसका इफेक्ट आज भी रहेगी। तो ये पश्चिम विक्षोभ कल तक निकलने का संभावना है, जिसके चलते हमारे उम्मीद है कि ये जो हीट वेव का जो स्थिति है शायद इमीडिएटली वापस ना आए, मगर टेम्परेचर्स नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट इंडिया में थोड़ा बहुत बढ़ने का संभावना है, 2 से 3 डिग्री अगले, जैसे आज 20 तारीख है तो 22 तारीख से थोड़ा बढ़ने का संभावना है। इसके चलते हमारा जो हीट वेव का स्थिति जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्लाउडिंगनेस तो है, बारिश भी है, मगर जैसे उत्तर प्रदेश से हमारे हीट वेव का स्थिति खत्म नहीं हुआ, तो उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक छुटपुट हीट वेव का कंडीशन आता रहेगा, मगर सीवियरिटी चला गया जिसके लिए हम सिर्फ येलो अलर्ट में जाएंगे। साथ ही साथ दिल्ली में भी 23 और 24 तारीख को हीट वेव का स्थिति रहने की संभावना है। हीट वेव की वजह से हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं मैम कि मौसम बहुत ज्यादा बद से बदतर भी हो रहा था, अब सामान्य है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं गर्मी से वो भी बढ़ रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में और कितना प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? मॉनसून कब तक एक्सपेक्ट करें या हीट वेव से राहत कब तक एक्सपेक्ट करें लोग? मैडम, दो चीजें हैं, एक तो है हीट वेव के रिलेटेड डेथ्स की बात करें, वो सिर्फ हीट वेव के लिए नहीं था, वार्म नाइट्स के लिए था। वार्म नाइट्स मतलब आपका रात का टेम्परेचर भी जब कम नहीं होता है तो दिन का जो मैक्सिमम है वो जल्दी पहुंच जाती है, जो टेम्परेचर आपको 12 बजे मिलने का संभावना रहता है नॉर्मली, वो 9 बजे अगर पहुंच जाती है तो उसके इम्पैक्ट भी ज्यादा होती है। पहली तो बात यह है, दूसरी बात है हमारा वार्म नाइट्स के साथ, जैसे आपका हर जगह का मौत का कारण अलग था, जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लू विंड्स बह रही थी जो कि बहुत भयानक और बहुत हाई टेम्परेचर के साथ 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड से भी लोगों को खतरा पहुंच रही थी। ईस्ट इंडिया में उसी में आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा था, वो भी आपका सेंसिबल हीट के कारण से आपका हीट वेव आपका जो फील्ड टेम्परेचर सेंसिबल हीटिंग ज्यादा था जिसके कारण से मौत के आंकड़े चल रहे थे। अभी का जो स्थिति है, अभी हीट वेव का स्थिति काफी कम हो गया है। जैसे आपने सही से बताया, हम पंजाब हरियाणा से पूरा हटा दिया है, आपका उत्तर प्रदेश में अभी भी येलो अलर्ट के साथ छुटपुट हीट वेव होने का चांसेस है, उसके साथ हमने अगले 3 से 4 दिन रखे हैं और बाकी सभी राज्यों में धीरे धीरे हमारे हीट वेव का स्थिति कम हो गया है। तो जो अभी का स्थिति है वो भी बहुत सुखदायक नहीं है, जैसे आपका बिहार झारखंड में यहाँ पर अभी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ रही है। ये थंडरस्टॉर्म जो है, जैसे आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, ये जो मॉनसून एडवांस का जो लाइन है, ये एरिया में जो थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं इनमें बहुत ज्यादा लाइटनिंग चल रही है, तो वज्रपात के कारण से मौतें भी ज्यादा होती है इस समय। तो आपके माध्यम से हम आपको व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि जब आसमान में बादल देखते हैं तो और जिस इसी समय का टाइम में जब भी बादल में आपको जैसे बादल का गरजने का आवाज आती है तो इमीडिएटली पक्का शेल्टर में चले जाएं और वेट करें, थोड़ा बादल हट जाए, तो फिर आप दोबारा अपने काम या घर के बाहर जाने का काम
कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी मैम कि मॉनसून की एक्सपेक्टेशन क्या है, एक कॉन्क्रीट डेट ना हो लेकिन फिर भी कितने दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विंड का फ्लो कैसा है? अगर हम बात करें अभी हमारे पास जब भी क्लियर सिग्नल होता है हम इमीडिएटली आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। अभी हमारी उम्मीद है कि जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा, बाकी महाराष्ट्र का विदर्भा एरिया, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल, इन सभी में अभी अगले 3 से 5 दिन के अंदर मॉनसून एडवांस का स्थिति बहुत प्रोबेबल है और हम जैसे जिस दिन, जैसे आज भी हमने थोड़ा एडवांस किया वैसे ही एडवांस करते रहेंगे। दिल्ली में जब भी हमें सिग्नल मिलेगा हम जरूर आपको बताएंगे, बिना सिग्नल का बताना थोड़ा रिस्की रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर दिल्ली वालों को फिलहाल मॉनसून का और लंबा इंतजार करना होगा और साफ तौर पर देश के कई बड़े हिस्सों में चंद अगले दिनों में बरसात से लोगों को हीट वेव से राहत मिलती नजर आएगी। हरीश के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए दिल्ली से।